We will start the Rotary Chandigarh Shivalik weekly meeting with a recitation of the four-way test of Rotary. Of the things we think, say or do. Number one, is it the truth? Number two, is it fair to all concerned? Is it fair to all concerned? Number three, will it build goodwill and better friendships? Will it build goodwill and better friendships? Number four, will it be beneficial to all concerned? Will it be beneficial to all concerned? Thank you, friends. At the very outset, I will welcome Jatin Salwan ji, main author of Rotary. He is with us. It's a great privilege and honor for all of us to have him here. I request Gupta ji to kindly escort him to you. From 10 days back, we were discussing about with Ojasvi. He said, we want to honor sir, and the book is Fury. Everybody is Fury? Even I was not. What is Fury? कुछ पता नहीं चला क्या था क्या नहीं था. तो इन द मीन टाइम गोविंद जी ने वीडियो डाला, उसमें सर का इंटरव्यू था. तो वो उन्होंने उसमें बताया कि व्हाट इज फूडी. फूडी इज पंजाबी कल्चर. जब किसी के डेथ हो जाए वो घर पे बैठते हैं तो जो उनको मिलने आते हैं वो जो इकट्ठ होता है, जो आपस में कंडोलेंस मीटिंग जो हो जाती है उसको फूडी कहते हैं. सो ये उस टाइम जो दर्द आदमी के मन में होता है उसको बांटते हैं सब लोग. तो इसीलिए कहते हैं ना कि दुख बांटने से हमेशा घटता है. दुख जितना आप किसी के साथ बांटेंगे वो घटेगा, और सुख अगर लोगों के साथ बांटेंगे तो वो उतना ही बढ़ता है. इसलिए अपने सुख और दुख हमेशा दोस्तों मित्रों से बांटते रहिए. कहते हैं ना, दोस्त ही रिश्ते हैं, बाकी तो सब फरिश्ते हैं. क्योंकि दोस्तों के साथ ही आप अपने सुख बांटते हो. बिफोर आई इन्वाइट हिम टू द डाइस एंड रिक्वेस्ट, एक छोटा सा संदेश पढ़ा था इसी के बारे में. वो कहता है, एक सच छुपा होता है जब कोई किसी से कहता है वो तो मजाक था यार. एक फीलिंग छुपी रहती है जब कोई किसी से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक दर्द छुपा होता है दिल में जब कोई किसी से कहता है इट्स ओके. एक जरूरत छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे अकेला छोड़ दो. एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे पता नहीं. एक समुद्र छुपा रहता है बातों का जब कोई खामोश रहता है. इसीलिए इसने बहुत बड़ी बात कह दी जो मोस्टली ऑपरेशन थिएटर्स के बाद भी लिखी रहती है. अगर दिल खोल लेते दोस्तों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ. थैंक यू. नमस्कार सबको. आज की रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक की मीटिंग बहुत खास है, खासकर क्योंकि मैंने सबके साथ काम किया हुआ है और बहुत सालों से काम कर रहा हूँ. तो पहली बार मुझे मौका मिल रहा है इंट्रोडक्शन पढ़ने का. आई विल ट्राई टू रीड इट डिफरेंटली. मैं तो खुद एज अ स्क्रिप्ट लिख के लाता हूँ. मैंने स्क्रिप्ट लिख के भेजी थी पढ़ने के लिए, पर मुझे नहीं पता था मुझे ही पढ़नी पड़ेगी. मैं जतिन सर को इंट्रोड्यूस करता हूँ और स्क्रिप्ट फॉर्म में ही करता हूँ जैसे मोनोटसली लिखी हुई हमने. तो सर ऐसे ही आज स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी. सो जतिन सर सालवान सर इज अ हाई कोर्ट लॉयर बाय प्रोफेशन एंड ही इज अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल बीइंग हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द डेस्टिट्यूट एंड द फॉरलॉन. नर्चर्स अ स्मॉल लश ग्रीन बैकयार्ड गार्डन, लव्स एनिमल्स एंड नेचर्स बाउंटीज, हैविंग प्लांटेड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज अक्रॉस द सिटी, dabbles in sketching in free moments and pens poetry in Hindi, Punjabi and Urdu. Though Jatin ji has been writing for more than 40 years now, Fury is Jatin Salwan sir's debut book, where the best ones have finally shaped into the forms of this beautiful book that you see in front of you today. In his debut book titled Fury, Jatin sir explores a world which is deeply related to the Punjabi culture and where the pains, griefs and sorrows
are of the community rather than the individual. His book has been forwarded and released by Padma Shri recipient and president of Punjab Arts Council, Shri Surjit Patar. Foodie is available at all leading bookstores and is also available online. Today, the book is also available on our venue. You can see there on the table. So, we are actually waiting for the laptop to arrive. So, we wanted to play the film which has been specially made on this beautiful book, which formally introduces the book to the public. And let me tell you, the book is basically poetry and shayari, and dono sangeet ke bina adhuri hain. And Navjot, who is present amongst us here, has composed a beautiful music for the film. So I would like to give a big round of applause to Navjot. And I would like to invite Navjot now, sir, for a minute if you allow, to give us that beautiful feeling. Navjot cannot see, but how he imagined the music of the film by just, you know, listening to the shayari. So I would just like to hear his experience. सब लोगों की सबकी अपनी अपनी एक स्पेशल जो होती है, मेरी स्पेशल ये है, मुझे दिखता नहीं है. तो मेरे साथ मेरा दोस्त अमरेंद्र है. तो मुझे यशस्वी सर जब मिले थे आज से आई थिंक जैन में मिले थे ना, हाँ दो दिन मिले पहले. तो मैंने बोला सर को कि सर प्लीज़ कुछ मिलकर करते हैं ना कुछ काम. तो बोला कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. ये बंदा यशस्वी भाई बहुत कमाल के बंदे हैं, मतलब इनके लिए मेरे को शब्द नहीं कोई, मतलब बड़े अलग से मतलब है ना, कोई कंपैरिजन कोई जैसे ना कि कोई कॉपी नहीं है इनकी कोई इस तरह के. तो कहते कि उसी दिन मेरे को बोला नो प्रॉब्लम, एडवांस दे दिया, कहते पैसे पकड़ भाई तो ना, तू जल्दी मिलते हैं को नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं. तो विद इन 2 or 3 weeks हमने ये प्रोजेक्ट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब फीलिंग्स कमाल की. और जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका है, काम करवाने का तरीका है, वो सब कुछ बहुत अमेजिंग था. और बुक के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, बहुत डीप है, बहुत अमेजिंग. और इसकी जो पोएट्री है, जो उसके पेन है, मतलब स्पीचलेस. और बस मैं यही बोलूँगा, बस मस्त रहो बंदाज सब कुछ. अपने दर दो आप आ जाओ प्लीज़. हाय गुड इवनिंग, जैसे मैं जोर ने बोला मेरी भी स्पेशल जी यही है ब्राइंड. फर्स्टली जब मैं हम रोटरी चंडीगढ़ शिवाली के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो जसवीर भाई को जब हम मिले थे तो मैं और नवजोत और हमारा बड़ा भाई शिव हम इकट्ठे थे, जिस दिन हमने बात करी है जिस पर एक साथ मिलकर कुछ काम करते हैं. तो उसी दिन उन्होंने बोलते हैं कि जल्दी तैयार रहो कुछ करते हैं. तो विद इन 1 or 2 weeks उन्होंने हमें ये बुक दी. मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने आफ्टर कंपोज होने के बाद सुना था, जब नवजोत ने कंपोज कर दिया तो उसके बाद मेरे को नवजोत ने सुनाया कि सुन के देखिए इसमें कुछ चेंजेस करने हैं या. तो हुआ ही इतना अल्टीमेट कंपोज की जसवी भाई ने कहा बहुत ज़बरदस्त. तो बाकी आज अभी आप सभी सुनेंगे तो ऑल्सो की आप सबको भी मज़ा ही आएगा. थैंक यू. आप तो गाते भी हो थोड़ा सा, जब तक वो तैयारी करते हैं थोड़ा सा कोई गाना मुझे पंजाबी में क्या दे कैसे सुना सकते कोई भी जो आपने अभी हमें उस पे इंस्टाग्राम पे करा था वो वाला वेरी वेरी नाइस. मैं ये बता दूं हमारा ना गाना रिलीज हुआ है, तो हमने ये 2 weeks पहले लॉन्च किया और YouTube इसके 4 lakh व्यूज हो चुके हैं. मैंने आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ. जब मेरी गर्लफ्रेंड को बने को ना 1 साल हो गया, तो मैंने गाना नहीं गाया. वो गाना यह था जो भी अपना गोविंद सर ने बोला ना, पहले वो सुनाता फिर दूसरा सुनाऊंगा. ओ नित नवा में तो गीत लखा देंदी जे हो मां में उदास ता चट हसा देंदी. बस इतनी बहुत है. ओके. एंड जरा हूँ अमरिंदर ने जिक्र किया, वो एक डिवोशनल सॉन्ग है, तो अपना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था यूट्यूब पे ते और अपने अपने प्लेटफॉर्म दे दे दो लैंडर शेयर कर सॉन्ग. एकदम ही बना के रखी मेरा मालका, जिंदगी च आवे ना मेरा मालका, एकदम ही बना के रखी मेरा मालका, जिंदगी च आवे ना मेरा मालका, तेरिया मैं रहमतां नूं भुल जां ए
ऐसा कुछ होना लख लख करा शुकराना दाते आप मेरी हिम्मत खोलना देवी तेरा नाम लैके रहा जड़ा खिड़िया हसते चेहरे कद रोना देवी जतिन सर ने जदों फूडी बुक लिखी और जदों बुक मेरे को आई तो मेरे लिए भी एक नवी चीज सी ऑल टूगैदर ये वर्ड्स बहुत सारे जिहड़े इस पोएट्री से यूज़ किए गए हैं ये मैं भी नहीं सुने थे पंजाबी कॉलेज से मतलब कॉलेज से फर्स्ट लैंग्वेज आई ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंसिस MBA पंजाबी ज़्यादा बोलने से नंबर कटते थे साढ़े नैचुरली क्योंकि सारी टैक्नीकल स्टडीज़ हैगी इंग्लिश लैंग्वेज से तो फर्स्ट टाइम पिछले 6 साल बाद एक पंजाबी लैंग्वेज दा इन्ना डीप गुणी 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 है ना गुणी यूज मेरे को आया तो मैं सोचा कि मैं पहले तो इन्हों का एक्सप्रेशन समझा बट फिर पोएट्री जदों असी रिकॉर्ड की तो मेरे सामने सीगा कि इनू पिक्चराइज किवें किया जा सके ताकि वो जेडे गुण है जेडे इन्हों की राइटिंग है उन्होंने असी एक फिल्म के थ्रू उन्होंने जस्टिफाई कर सकीए तो सर रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक वालों आज थोड़ा बहुत बड़ा वेलकम है सर निघा स्वागत है सर साढ़े प्रेजिडेंट सर धन्यवाद साढ़े ना मुँह चे इन्ने अल्फाज नहीं है पंजाबी चे जे एक अद्धा वर्ड मिसयूज हो जाए या असी ना बोल सकी तो माफ़ी पहला तो ही मांगदा मैं तो सर सब तो पहले मन च यही है सारे कि फूडी जरा वर्ड हैगा असी बार बार हर कॉन्वर्सेशन से लैके आते कि फूडी वर्ड नू किवें यू डिसाइडेड कि बुक का टाइटल असी फूडी रखना है देखो प्रधान साहब पहला तो मैं सब तो पहला शिवालिक चंडीगढ़ रोटरी का बहुत बहुत धन्यवादी है प्रधान जी ने पहले ही फूडी के बारे एक्सप्लेन करता है जिस तरह उन्होंने कहा भी पीड़ा सांझिया कर दुख सांझे कर वर्ड जरा फूडी जरा प्रगटा है क्योंकि जो मैं सोचा भी मैं भी अपनी गज़लों अपनी पोइट्री बाहर सोसाइटी लैके आव समाज नाले शेयर करा मैं सोचा भी ये पीड़ा जड़िया ने हूँ मैं दुनिया नाल शेयर करनिया पैनगियाँ मैं वो जी सांझ सी उस सांझ नू मद्देनज़र रखते हुए इस किताब का नाम फूडी रखिया सर ते जदों साड़ी बुक लॉन्च हुई ता बुक लॉन्च तो बाद असी हुण बुक लॉन्च नूं इन्ना टाइम हो गया है तो असी हुण हर बुक स्टोर पर जाते हैं सर दे पोस्टर्स हैं लोग पढ़ते हैं हुण यूथ ज़्यादा इनू पढ़ता है या एक एज ग्रुप इनू ज़्यादा पढ़ता है तुहाडा तुहानूं की इहदा फीडबैक मिल रहा है बुक नूं लैके असी वो जानना चाहते हैं देखो सब तो पहला तो किताब बिक रही है 500 कापियां निकल गई बड़ी खुशी हुई मैं तो सिर्फ बायर दे नाल कंसर्न ज़्यादा जेड़ा भी इनू खरीद रहा है वो जरूर पढ़ता होएगा और पढ़न दे लई ही किताब खरीद रहा है सब तो पहला मैं दसना चाहवागा भी 21 जनवरी नू एक किताब नू असी रिलीज़ करन दा सोचिया बदकिस्मती नाल जां खुशकिस्मती नाल साडे चीफ गैस्ट पद्म श्री सुरजीत पात्र जी उन्हां नू करोना उन्होंने फिर भी कहा भी तुसी किताब नू रिलीज़ करो पर असी उन्हां दी इंतज़ार की और 12 फरवरी तरीक फिक्स की बुक रिलीज़ करने उस दौरान ओजस्वी ने ये फिल्म बनाई अगर 21 जनवरी नू ये किताब रिलीज़ हो जाती तो ये फिल्म जिहड़ी सी जिहड़ी तुसी हुणे देखी ये फिल्म तुसी ना देख ये मेरी किस्मत है जसवी का ही आइडिया सी और जसवी ने और जिन्ना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ये आया नवजोत का वो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ ये जी बुक है इस टाइम फीडबैक आता है
ਫੀਡਬੈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ 5-7 ਵਰਡ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਵਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਬੈਕਨ ਜੋ ਵਰਡ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਕਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਬਟ ਦੈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਅ ਇਨ ਕੋਰਟਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਆਈ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਟ ਯੈਸ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੈਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਟਾਕ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ and this book has Punjabi and being a poet in Punjabi, so how do you I would say you're not Google who can translate perfectly, but having your mind and heart synchronize the poetry in Punjabi while using English throughout the day, how difficult was this? ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾਏ, ਸੱਦ ਮਰਾਸੀ ਸੁਫੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠੇ, ਸੱਦ ਮਰਾਸੀ ਸੁਫੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠੇ, ਨਰੋਏ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਣਵਾਏ। ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੰਡ ਪਤਾਸੇ, ਖੁਸਰੇ ਸੱਦ ਨਚਾਏ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੰਡ ਪਤਾਸੇ ਖੁਸਰੇ ਸੱਦ ਨਚਾਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ। So does it help you with your law practice also? While you, can you impress the judge with this? Rather, law practice helps me in writing poetry. Okay. Because profession is a noble profession where you tackle with the pains and problems of the people. So you learn from the pains. Then you realize how much the painful life is of your client. So ਕਲਾਇੰਟ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਵਾਈਫਸ ਫਰੈਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣੀ। ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਰ ਦੈਟ ਦ ਕੋਰਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ that they will grant you any relief. She was satisfied with my advice. Main unko kya aap kal phir milange. Next day aayi, main unko ghazal sunane liye bulaya. Us din main udi koi problem hal nahi si karne. Main udi jehdi unko ek ghazal sunani si, us de liye unko bulaya. Udiyan kuch line main tuhanu sunana.
क्योंकि उसनू मैं पेन नू समझिया, मैं उन्हें सुकून देता। वो सारी जिहड़ी गल है वो कौन है, वो कौन है जो तसल्लियां देंदे हुए रो पिया, वो कौन है जो तसल्लियां देंदे हुए रो पिया, मेरे दिल दा सलाबा, मेरे दिल दा सलाबा जिदे दीदों चो पिया, मेरे दिल दा सलाबा, सलाबा वॉइस जिदे दीदों चो पिया, वो कौन है, वो कौन है जो इश्क मेरे दी रमज पहचानदा है, वो कौन है जो इश्क मेरे दी रमज पहचानदा है, वो कौन है जो इश्क दे फट दी रड़क नू जानदा है, वो कौन है जो इश्क दे फट दी रड़क नू जानदा है, वो कौन है, वो कौन है जिस मलम लौंदियां पोटे अपने लू ले, वो कौन है जिस मलम लौंदियां पोटे अपने लू ले, खड़े खलोते जिस दे चेतियां वसल मेरे शूल है, खड़े खलोते जिस दे चेतियां वसल मेरे शू ले, वो कौन है, वो कौन है जिस अपनी पुन्या, वो कौन है जिस अपनी पुन्या मेरी मस्या तुम वारती, वो कौन है जिस अपनी पुन्या मेरी वस्या तुम वारती, हिजरी बेड़ी लत्ता को लो लई जोबन रुत तक साड़ती, वो कौन है जो हिजर मेरे दी हेक नू सुन रहा है, मेरी हेक सुन दे सर ही मड़ियां वल नू वेख रहा है, हेक मेरी सुन दे सर ही मड़ियां वल नू वेख रहा है, मैं ते मेरा हिजर दोवें, मैं ते मेरा हिजर दोवें रल के सा गल्लां कर रहे, पिरहों वेड़े उगियां पीड़ां दियां नस नस मल्लां मल रहे, अचन चेत तेरी याद आण फिर कलावा मार दी, उमरों सोधियां सदरां नू मुड़ रत जड़ों ही साड़ दी, ओ कौन है जो तसल्लियां देंदे। सर मैं ये पूछूंगा आपसे, तो वो जब क्लाइंट थे वो उन्होंने सुन के क्या आपसे बात की हुई, मतलब मीनिंग पूछा कि बैठे ही रह गए? शायद उन्होंने लग्या होएगा भी ये ओहदे ते लिखी गई इसलिए उन्हें उस कुछ पूछने की कोशिश की। So did she pay the professional fees or the points fee? I didn't charge. Oh, she was your wife's friend? No, her friend's friend. So she took discount on us, right? मैं हाल ही में ही एक टेक्निकल समिट हो रहा था, वहाँ पे सर को गेस्ट इनवाइट किया था, तो सर फ्रंट रो में बैठे हुए थे और मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत लोग ना पॉलिसीज, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट कैसे रेज करनी है, काफ़ी चीज़ें जो आज के इस नए दौर में चल रही हैं उसके ऊपर, मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर भी बहुत अच्छे लेवल पे बात चल रही थी। तो मैं बिल्कुल, मेरी हैबिट ये है कि मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ा होता हूँ और ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि क्राउड कैसे रिएक्ट करेगा, पर जिस सर को फिर फाइनल पोएट्री सेशन के लिए स्टेज पर बुलाया गया। अब सर के लिए क्या है कि जब उन्हें इतनी देर बाद बुलाओ तो माहौल का जायज़ा लेके सर ने दो लाइनें स्टार्टिंग में ही बोली। मैं चाहूँगा सर, जब इतने बड़े लेवल पे मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बात चल रही थी, जहाँ करोड़ों की बात चल रही थी, वहाँ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी और गर्मा गर्म क्या लाइनें आपके दिमाग में, मैं चाहता हूँ आप सबसे साझा करें। उस कॉन्फ्रेंस के बीच एक डॉक्टर मित्तल सीखे हुई IAS ऑफिसर पंजाब गवर्नमेंट, उन्होंने मार्केटिंग के उपर बहुत बड़ा विख्यान किया एंड आई वॉज हाईली इंप्रैसड।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਇੰਡਿਡ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸਰ ਫੂਡੀ ਮੇ ਸੇ ਕੁਛ ਆਪਕਾ, ਦੇਖੋ ਅਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਕੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੌਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਥਨ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਥਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਡਸਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਰਕਾਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਤਰਕਾਲੀ, ਤਰਕਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤਰਕਾਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋਚ ਮੇਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭੋ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭੋ ਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਦੇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਖਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਤਰਕਾਲੀ ਅਸਮਾਨੀ ਆਥਣ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ, ਐ ਫਨਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐ ਫਨਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਮਗਮੂਮ ਘਟਾਏ ਹੈ ਘਿਰਾਈ, ਫਿਜ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਬੂਏ ਯਾਸ ਹੈ। ਮਗਮੂਮ ਘਟਾਏ ਹੈ ਘਿਰਾਈ, ਫਿਜ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਬੂਏ ਯਾਸ ਹੈ, ਬੇਕਦਰ ਸੇ ਪੱਥਰੋਂ ਕੋ ਜੋ ਤੂਨੇ ਨਜ਼ੀਮ ਨਕਸ਼ ਦੀਏ, ਮਸੂਮੀਅਤ ਉਨ ਆਕ੍ਰਿਤੀਓਂ ਕੀ, ਤੇਰੇ ਜੌਹਰ ਕੋ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਯਾਂ, ਉਨਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀਓਂ ਕੇ ਸ਼ੋਰੋ ਗੁਲ ਮੇਂ, ਕੋਈ ਰਾਗੇ ਅਫਸੁਰਦਾਂ ਛੇੜਤੀ, ਵੋ ਚੂੜੀਓਂ ਸੇ ਬਣੀ ਗੁੜੀਓਂ ਕੇ, ਸਿਰ ਸੇ ਬਾਪ ਕਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਵੋ ਚੂੜੀਓਂ ਸੇ ਬਣੀ ਗੁੜੀਓਂ ਕੇ, ਸਿਰ ਸੇ ਬਾਪ ਕਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਾਤੀ ਖਵਾਤੀਨੋ ਕਾ,
बड़ा बेमिसाल सुहाग उजड़ गया, तेरे बनपन गट का पानी खारा हुआ। उदे च एक छोटा जिहा खूह, तेरे पनगट का पानी खारा हुआ, मंदिर के शंख का कंठ भर गया, तेरे झरने खामोश हो गए जैसे उनका शहनशाह हो मर गया। नेकचंद जी नू ट्रिब्यूट है, वो नाम से ही नेक था, वो नाम से ही नेक था, उसकी नेकियों का जिक्र क्या करूं, वो नाम से ही नेक था, उसकी नेकियों का जिक्र क्या करूं, फन से कहूं कुछ अल्फाज दे, फन से कहूं कुछ अल्फाज दे, खिराजे अकीदत तो दे सकूं, फन से खिराजे अकीदत होती है ट्रिब्यूट ऑफ द डेथ, फन से कहूं कोई अल्फाज दे, खिराजे अकीदत तो दे सकूं, तेरे शहर जब कोई आएगा, तेरे शहर जब कोई आएगा, तेरी संतनत को जाएगा, तेरे शहर जब कोई आएगा, तेरी संतनत को जाएगा, मेरे शहर की पहचान भी, मेरे शहर की पहचान भी तेरा शहर ही बन जाएगा। तो नेकचंद जी की गल बगैर शहर अधूरा है। दिस मेक्स मी आस्क अनदर क्वेश्चन दैट व्हाटएवर आई हर्ड जस्ट नाउ एंड वी सॉ द मूवी, देयर इज सैडनेस एंड ऑफ कोर्स देयर इज पॉजिटिविटी इन सैडनेस आल्सो, and as they say that you know, adversity is the best university in some ways. So what was so adverse, if may I ask, in personal life or in professional, which made you look insideness and dig out or extract positivity? Because it's a topic, it's a subject which is there with us today, and you've consolidated the characteristics of how Punjabi pay tribute or get together and pay tribute, as I have tried to understand. So what was it that affected you, or you were inspired in life, or you look upon, which made you write this? And sadness, of course. I'll not say sadness. This book is, सारी जी किताब है ये based on आस expected expectations, आस उड़ीक इंतज़ार और दोस्ती। जिस दिन आस ख़त्म हो जाती है उस दिन आदमी ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक आस है जिसके सिर पर आदमी जिंदा रहता है। साड़ी रोज़मर्रा जिंदगी कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मंदिर जाता है, ऐसे आसना भी उन्हें रब मिलेगा। वो बंदा पूजा पाठ दुनिया तो चला जाता है, फिर वो आस वो परिवार से जिंदा हो जाती है, भाई वाहेगुरु के चरणा च चला गया होएगा, इन स्वर्गा च जगह मिल गई होएगी। सो आस जिहड़ी है वो आस नू और जिहड़ी उम्मीद है इंतज़ार है उसनू मैं अपने शब्दों च परोया। तुसी उसनू उदासी कहो, तुसी उन्हूं बिरहा कहो, तुसी उन्हूं हिजर कहो, पर क्योंकि पोइट्री उम्मीद आस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनू मैं कहंगा भी ये पोइट्री बिरहा और हिजर दे उपर ज़्यादा बेस्ड है। मैं अमृतसर पैदा होया, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छी पंजाबी बोलते थे, पर मेरी माँ की पंजाबी बहुत ही कूड़ी सी, वो दोनों दुनिया च नहीं है। मैं भाई कॉलेज डेज सी हीर वारिस शाह और शिव कुमार बटालवी नू बहुत पढ़िया। अगर हीर वारिस शाह और शिव कुमार बटालवी की पोइट्री देखी जाए, तुसी देखोगे
ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨਾ ਤਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਬੇਹੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਾਪ ਵਡੇਰਾ ਦਿਓਤੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੁੱਲ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਰੇ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਏਕੜ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੀਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੇਹੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪਾਪ ਵਡੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਿਓਤੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਹੁ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦ ਜੇ ਖਾਕ ਹੰਡਾਏ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਸ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਝਲਕ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Has come down in the lineage from... No, it is, I am the first man in the family who is in practice. I am the first man who is a poet. And this was during your college days or when it's you... It's from the right, jadon main apni diaries nu dekhta to kuch 74 diyan vi mildiyan hain, 74 ਦੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ 12 ਮਾਰਚ 1978 ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਗ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚੇਤਰ ਚੜਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਚੜਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੋਇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ 1978। ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਰਦ ਦਾ ਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦਰਦ ਦਾ, ਗਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾਲ ਚੜਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦਰਦ ਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਖੀ ਸੁੱਜਾ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਅਸਾਂ ਦਰਦ ਦਾ। ਮਕਤਾ ਸੀ
जतिन जे रोया नहीं, जतिन जे रोया नहीं, ना समझो उसनु दर्द नहीं, जतिन जे रोया नहीं, ना समझो उसनु दर्द नहीं, कौन जाने के दिल उस दे विच फुटिया है लावा दर्द दा, मौत दे मूहों सुनिया सा महीना। सो ये 78 दी सी। एक छोटा जा शेर सुनाना उस टाइम का, असी अर्ली राइजर हाँ, मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग, जदों 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, कत्तक और चेतर, मिड फैबरी टू मार्च, मिड अक्टूबर टू नवंबर, मिड नवंबर, उन्हां दिनां च ओस बहुत पैंदा। जे तुसी सवेरे सैर करन जांदे हो, जिहड़ा तुहाडे तों पहला बंदा जा चुका हुंदा है, तुहानूं उहदे फुटप्रिंट्स करैक्ट खाते नज़र आ। मैं भी सैर करन जांदा सी, उपर फुटप्रिंट्स दिखदे सी, उन्हां फुटप्रिंट्स नूं जहन च लिया के जो मैं उन्हें फुटप्रिंट्स तो ऑब्जर्व करना, त्रेल कहती है उस त्रेड़े घा ते इंज ने, त्रेड़े घा ते इंज ने ये पैरां दे निशान, त्रेड़े घा ते इंज ने ये पैरां दे निशान, हंजुआ तो जिमें तेरी याद निकल गई, हंजुआ तो जिमें तेरी याद निकल गई, एक चन यार हुंदियां संगदावा आखते, एक चन यार हुंदियां संगदावा आखते, कि मस्या दी रात वाकण जिंद मेरी निकल गई। सो त्रेड़े का ते इंजने पैरा, so how's ma'am affected the poetry, my last question to you, is it improved even, or no, even she is not a good listener. Anyway, the house is open, any thing I can get the mic, I'll get the mic, Dr. V. sir bahut hi maza aaya tumko sunke, thank you, bahut hi acha laga, samundar che vi bahut cheezan ghumdiyan par ode chon heera ek hi nikalda hai, जां जंगल च किन्ने जानवर घूमते ने, पर जिहड़ी मृग तृष्णा है वो जिहड़ी मृग दे दिमाग च है उही सारे जंगल नूं महकांदी है। हाँ जी, वो जिहड़ा थॉट है इहदे च कोई ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ सामने ही बैठी है, कदे भी चैनलाइज करन दी जरूरत नहीं पई। सम टाइम आई विल कम आउट ऑफ द बाथरूम एंड आई विल राइट द गज़ल। मैं एक छोटा जिहा दस्सां, साडे एक चेयरपर्सन हुंदे सी मास कम्युनिकेशन दे पंजाब यूनिवर्सिटी च, वो मैनू मिले, उन्हां दी भी वैडिंग सिल्वर जुबली सी, साडी भी सिल्वर जुबली सी, मैं उन्हां नू फस्ट राउंड च मिलिया, दूजे राउंड च मैं उन्हां नू गज़ल सुनाई सैर करते हुए, दैट गज़ल इज़ डेडिकेटेड टू माई वाइफ on my on our silver jubilee, कि 25 साल किस तरह गुजर गए पता ही नहीं लगता। उन्हें कोचर साहब और 50th सिंपथी, इन्हों भी नहीं पता लगा, ये उत्थे कहंदे सी भी पता ही नहीं लगा भी 50 साल किस तरह लंघ गए, असीं तां इन्हां दे अद्धे विच ही खलोते सी, तो 25 साल किस तरह लंघ गए। रहा तेरे नशे में डूबा, रहा तेरे नशे में डूबा, कुछ याद नहीं है मुझको, कैसे कटे जे रस्ते, कैसे कटे जे रस्ते, कुछ याद नहीं है मुझको। कोचर साहब तुसी गौर करना कि तेरी चाहत हुई ना मद्दम, तेरी चाहत हुई ना मद्दम, दौरे उम्रां भी गुजरा, तेरी चाहत हुई ना मद्दम, दौरे उम्रां भी गुजरा, कहाँ वक्त थम गया था, कुछ याद नहीं है मुझको, चेहरे की सिलवटों से बुढ़ापा तो आ ही गया ना,
चेहरे की सिलवटों से एहसासे सफ़र है जाहिर, चेहरे की सिलवटों से एहसासे सफ़र है जाहिर, कैसे कटे जे रस्ते कुछ याद नहीं है मुझको। जे आफताबे हयात जिंदगी दा सूरज, जे आफताबे हयात कब मगरिब को खिसक आया, मेरी जिंदगी दा सूरज तलाई वालों चला गया। जे आफताबे हयात कब मगरिब को खिसक आया, तुम्हें इलम हो तो बताना कुछ याद नहीं। Some part can be written to the electricity department when the light comes. What a lighter note. I didn't want to give. We have a question, sir. Sir, if I need to go there to all the ladies, नहीं हो सकता है, साढ़ा सातवां ही होवे। असी पंजाबी तो चले तो उर्दू वालों निकल गए। सो एक ये है भी अज साडी महफिल है, जदों भी तुसी पोइट्री करते हो, जिस तरह मैं क्या भी मैं बाथरूम तो निकलता, मैं लिखता, मैं आज ही सवेरे लिख रहा सी, छेड़ के गल शहर तेरे दी, छेड़ के गल शहर तेरे दी वो बेगाना हो गया, छेड़ के गल शहर तेरे दी वो बेगाना हो गया, जांदे चंद्रा कह गया मेरे मगरों शहर बेगाना हो गया। वो इस तरह ही है भी जो महफल च बुलाते हैं, तुम भी जो मैं पेनफुल गल करना तुम वाह वाह करते हो, जो मैं खुशी वाली गल करना कोई ताड़ी नहीं पाई। सो जी पेन है वो दे नाल रिलेटेड है कि यार सत यार की महफल, जिस तरह मैं अज आया, यार सत यार की महफल साथों बिलख दे गीत गवाए गए, यारां सत यारां दी महफल सातों बिलख दे गीत गवाए वे, दुनिया दे दिल परचावे खातर असां दिल दे पड़छे लाए, दुनिया दे दिल परचावे खातर असां दिल दे पड़छे लाए वे, हथी फूके यारां नू, हथी फूके यारां नू दिल मोया मननों कतरावे वे, हथी फूके यारा नू दिल मोया मननों कतरावे वे, तरपक उठ बै अधी राती मुर्दे हेकां ला बुलावे वे, तरपक उठ बै अधी राती मुर्दे हेकां ला बुलावे वे, फूड़ी पाई जद शब्दा ने, फूड़ी पाई जद शब्दा ने वाक नड़ोए आए, हुन नड़ोया वर्ड उड़ गया, फूड़ी पाई जद शब्दा ने वाक नड़ोए आए वे, पीड़ा दे गल लग उच्ची उच्ची वैण गीता ने पाए, पीड़ा दे गल लग उच्ची उच्ची वैण गीता ने पाए। Though I have to explain each and every word, but when they understand the meaning, it goes to their heart and then they appreciate. Yes. And fortunately, I have two daughters. And daughters have the very soft heart. जिन्हें हमने गोविंद जी ने इन्हें किताब में सोच के उन्हें दिमाग चाहे भी दुखी
ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਸਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੁਖੀ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੋ ਸੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਦੁਖੀ ਪਾਓਗੇ ਦੂਸਰੋ ਸੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਝੇ ਦੁਖੀ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਕਭੀ ਖੁਦ ਸੇ ਮਿਲੋਗੇ ਤੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸਕੁਰਾਓਗੇ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਤੁਹਾਰੇ ਸਿਵਾ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਰਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰ ਪੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਪੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਪੱਲੇ ਬਣ ਦੇਵੀ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਣੋ ਨਾ ਜਾਵਣ ਡੋਰ ਬਣ ਦੇਵੀ ਪੱਲੇ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਣੋ ਨਾ ਜਾਵਣ ਡੋਲ ਆਖ ਛੱਡੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਖ ਛੱਡੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਝੱਲ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਚਾਰਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾਇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹ ਘਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਖ ਛੱਡੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿ ਝੱਲ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸਭੋਂ ਸੱਚ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸਭੋਂ ਸਾੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰਾ ਕੂਕ ਪਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਰਾ ਕੂਕ ਪਵੇ ਚਿੱਤ ਛੱਡੀ ਉਹ ਅੰਡੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਲੰਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਰਜੇਸ਼ ਸੋਪਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜੇਸ਼ ਸੋਪਤੀ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਜ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਆਪਕੇ ਆਨੇ ਸੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦੇਖੇ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਹਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਹੈ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਜਸਵੀ ਜੀ ਸਰ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਉਣੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ
स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में हूँ, हम फ्री एडवोकेट देते हैं, मुझे तो बाद में पता लगा सर खुद एडवोकेट है। सो सर यही है कि साहित्य कभी मरता नहीं, ये अमर है। आज से 200, 300, 400 साल बाद भी ये जो आपकी बुक है सर, ये अमर हो गई है, और जो लोग पढ़ के इसको सीखेंगे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप चंडीगढ़ की बात कर रहे थे सर, चंडीगढ़ को पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। आपने कहा ना कि सिलेक्शन नहीं करते, वो जो थॉट में चीज़ें आती हैं, हीरा एक ही होता है, वो एक थॉट प्रोसेस कई बार चीज़ आती है, तो वो माइंड में, मैंने भी एक गज़ल लिखी थी 2012 में, अगर आपके पास दो मिनट है तो मैं सुनाना चाहूँगा। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता कि इतनी अच्छी ऑडियंस बैठी है। एक ही जिंदगी में पहली और आखिरी गज़ल लिखी थी, उसके बाद कुछ लिखा नहीं गया। शिव की वो गज़ल सुना के मैं एक बार कॉम्पिटिशन में टॉप कर गया था। सर उसका मतलब है पत्थरों के शहर में कैसे लगेगा दिल हमारा, पत्थरों के शहर में कैसे लगेगा दिल हमारा, पत्थरों के शहर में कैसे करूंगा मैं गुजारा, पत्थरों के शहर में सोचता था मैं भी कभी आकर यहाँ ऐ दोस्तों, सोचता था मैं भी कभी आकर यहाँ ऐ दोस्तों, नाम चमकेगा हमारा पत्थरों के शहर में। दिखावटी है दोस्ती और मतलबी है ये जहाँ, दिखावटी है दोस्ती और मतलबी है ये जहाँ, कोई नहीं देता सहारा पत्थरों के शहर में। कि मन भी रोया आंख रोई और रोया ये बदन, मन भी रोया आंख रोई और रोया ये बदन, क्यों ना रोता दिल बेचारा पत्थरों के शहर। अक्सर तूफानों में फंसकर डूबती हैं कश्तियाँ, अक्सर तूफानों में फंसकर डूबती हैं कश्तियाँ, कब किसको मिला किनारा पत्थरों के शहर में। और अर्ज करता हूँ खुदा से न करना कभी उनका बुरा, अर्ज करता हूँ खुदा से न करना कभी उनका बुरा, जिस जिसने तोड़ा दिल हमारा पत्थरों के शहर में। बहुत। फिर गिर गया शिव, फिर गिर गया शिव और उठकर चल पड़ा उनकी तरह, गिर गया शिव और उठकर चल पड़ा उनकी तरह, फिर ना था कोई और चारा पत्थरों के शहर में, कैसे करूंगा मैं गुजारा। सो सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आज का आपने दिन बना दिया हमारा। और रेणुका मैम, कालरा मैम, सबका बहुत बहुत थैंक यू आज की हमारी इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू। एक और बनती है, मैं तो सारी रात सुना था। नहीं, बनती है। एक बनती है ना। साहिर लुधियाने के कितने फैन हो? जी साहिर लुधियाने के कितने फैन हो? साहिर लुधियाने बहुत। देखो तुसी साहिर दी गल कीती, मैंने तो ताई तो साहिर ही आंदा पे मेरे दिमाग से। साहिर साहिर ने एक जग गार पोदी गजल आंदी है जिदे च कहंदा है, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन, फिर भी बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। ठीक है, इसे तो ही मैं जो देखता, मैं कंपैरिजन करता, पिछे ही 6 मई को शिव बटालवी की डैथ एनवर्सरी सी, मैं पढ़ रहा सी, इसे जो हैगा थॉट नो शिव बटालवी किस, मैं शिव बटालवी नो समझदा भी अगर पंजाबी जबान इंटरनेशनल जबान होंगी शिव बटालवी शायद जौहन कीट्स तो उपर हों। शिव बटालवी इसे थॉट नो लिखता है कि तू आखिया सी मोड़ दे मेरा प्यार, तू आखिया सी मोड़ दे मेरा प्यार, एक झुलस चुकी कली नू की हक है, एक झुलस चुकी कली नू की हक है, चूस चुके होन समय जिसचों इतार, एक पवित्र पौरन तो मंगे प्यार, तू आखिया सी मोड़ दे मेरा प्यार। जदों कंपैरिजन करदा समटाइम आई फील शिव बटालवी हैज़ मोर डेप्थ एज कंपेयर टू इवन साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी इज़ अ वंडरफुल पोएट। साहिर लुधियानवी इज इक्वल टू फैज़ अहमद फैज़ इन पाकिस्तान। और उन्होंने
ओजस्वी ने मैनू कहा, मैनू एक लास्ट मैं तुम सुनाना छोटी जी गजल है, मेरी गजल सुची ब्राह्मणी मंगदी है हंदा पीड़ा दा। हंदा ये वर्ड जड़ा है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ब्राह्मण कास्ट दे नाल नहीं सी, मेडिवल पीरियड ब्राह्मण विद्या नाल ज्ञान दे नाल रिलेटेड से। उन ज्ञान वही देगा जिदे को ज्ञान है, पर उदा रोटी पानी दा हीला की होएगा, वो रोटी नहीं कमाएगा, वो सारा दिन ज्ञान देगा। उनू एक पिंड दे विच कल्चर होंदा सी, हर घर चों सवेरे एक घर चों ब्रेकफास्ट जाएगा, दूजे घर चों लंच जाएगा, तीजे घर चों। ये मैं अपने बचपन च अमृतसर पिंगलवाड़े वास्ते भी देखता रहा भी वह घर चो हंदा लैन आते सी, जिहड़ी वो रोटी हुंदी है जिहड़ी एक टाइम दे उत्ते उनू हंदा कहा जाता है। हुण तुसी वो इसनू शेर नू समझन च तुहानू सहूलियत रहेगी। मेरी गजल सुची ब्राह्मणी मंगदी है हंदा पीड़ा दा, सुची कुख दी उपज विचारी, इट इज़ बेसिकली ऑन ए प्रोस्टिट्यूट, सुची कुख दी उपज विचारी दाग बद चलन शरीरां दा, सद दे ने आख हराम दी ती वासना दी औलाद काम दी, सद दे ने आख हराम दी ती वासना दी औलाद काम दी, इस निर्दोषन नू ना फटकारो, दोष तो है तकदीरां दा, इस निर्दोषन नू ना फटकारो, दोष तो है तकदीरां दा, जिसम वेच के ढिड भरती है, जिसम वेच के ढिड भरती है, जून खातर नित मरती है, जिसम वेच के ढिड भरती है, जून खातर नित मरती है, गुरबत लई ने जो लाणता वो शौक है अमीरां दा, मेरी गजल सुची ब्राह्मणी मंगदी है। Really proud moment to have you with us, and I'm thoroughly impressed. Same here. I also feel that it's my pleasure that you have called me here. So, on behalf of our club, may I take this opportunity to give this certificate for performing poetry, and I will request our president to please hand you hand over the small certificate. Just you can join. Certificate of appreciation. पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। It's awarded by Rotary Chandigarh Nabjot Siam for his contribution to the field of music production.